नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वर्तमान सरकार उसको लेकर के समझता भी नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये किस्म का वायरस है जो अफ्रीका से आया बहुत अरसे पहले, 2019 में लगातार, उसके बाद फिर 21-22 में इसकी आहट हुई और खास तौर पर हमारे गोवंश को उसने संक्रमित किया। पूरे प्रदेश में लगभग 31 जिलों में इसका प्रकोप है। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे राज्यों में इसको संक्रमण हुआ, लेकिन जो राज्य सचेत थे, जो इस आपदा से भिज्ञ थे, उन्होंने गॉडपॉक्स के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, उन्होंने आइसोलेशन की व्यवस्था की, उन गोवंश को संक्रमण नहीं हो इसके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की, और इसलिए गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन भी हुआ और गोवंश का नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ। राजस्थान की सरकार अपने नैतिक कर्तव्यों को भूलते हुए मुख्यमंत्री चिट्ठी पत्री करते रहे, वर्चुअल मीटिंग करते रहे, राष्ट्रीय महामारी घोषित करने की मांग करते रहे, जबकि फर्ज यह था कि इस गाय की संक्रमण की इस बीमारी पर राजनीति नहीं करने की बजाय ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता थी। कोई सरकार से पूछे कि आपने पशुधन सहायकों को अस्थायी तौर पर क्यों नहीं लगाया, डॉक्टर्स की भर्ती क्यों नहीं करी, गॉडपॉक्स की वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्यों नहीं किया, ये तमाम बातें थी जो राज्य सरकार से ताल्लुक रखती थी। और इसके लिए मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार ये गो हत्या के पाप की भागीदार है, और इसलिए ऐसी संवेदनहीन सरकार अब नहीं तो 2023 में परमानेंट रूप से इस सरकार का श्राद्ध हो जाएगा।